नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक फॉग मशीन आया है, देख सकते हैं धुआं बाहर निकलने वाली। तो दोस्तों इस मशीन को कैसे रिपेयर करना है, चलिए आज हमारे पास एक डीजे भाई हमें ला के दिया है दोस्तों इसे रिपेयर करने के लिए। और इस फॉग मशीन में देख सकते हैं दोस्तों हम पावर दे करके देख रखे हैं जो कि इंडिकेट हमारी कर रही है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इस मशीन को ऑन करते हैं यहाँ हमारी बाहर निकलने चाहिए धुआं, लेकिन इसमें बाहर धुआं नहीं निकलती है। चलिए हम ऑन करके आप सबको हम दिखाते हैं। तो ये है ऑन, ये ऑन बटन है दोस्तों, और ये पावर ऑफ करने की, जो लॉक खुली हुई है दोस्तों ये ऑन करने की बटन है, और जो लॉक लगी हुई है दोस्तों इसे बंद करने की है। तो चलिए हम ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इस मशीन को हम जैसे ही ऑन करते हैं यहाँ धुआं निकलना चाहिए, लेकिन ये धुआं नहीं निकल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारी केमिकल जो है दोस्तों, ये केमिकल है थोड़ी सी बची हुई है, फिर भी ये नहीं निकल रही है। और इसमें इस मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों इस मोटर से है। चलिए इस मोटर को हम चेंज करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा मोटर सेम हम लेकर के मार्केट से ख़रीद करके रखे हैं दोस्तों, ये 18 वाट की ये मोटर है। चलिए हम इसे सेट करते हैं दोस्तों, और सेट करके आप सबको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये इनपुट है और ये आउटपुट। तो दोस्तों इनपुट पर हमारी जो ये केमिकल है दोस्तों, ये केमिकल घिसता है और इधर से बाहर निकलता है। चलिए हम इसे चेंज करके आप सबको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पावर को हम कट कर लेंगे, और यहाँ जो लगी हुई है दोस्तों इस मशीन पर, इसे हम थोड़ी सी जो है दोस्तों ओपन कर देते हैं, और यहाँ ये जो केमिकल बाहर निकला है दोस्तों इसे हम अंदर की ओर ठेल देते हैं, और यहाँ जो स्क्रूप लगी हुई है इसे बाहर निकालेंगे, और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से रख देंगे, और ये जो लगी हुई है दोस्तों इस बोतल को हम साइड कर देंगे, और यहाँ से हमें इस मोटर को सबसे पहले खोलना है। तो चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ से है, हम इस मोटर को सबसे पहले हम चेंज करके देखेंगे। तो दोस्तों यूट्यूब भाइयों से, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो से आप सबको कुछ भी सीख मिलता है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम इस मोटर को सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसकी जगह हम दूसरा मोटर लगा के हम ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों ये मोटर को हम बाहर निकाल दिए हैं, अब दूसरा जो मोटर है हमारे पास इसे हम सेट करते हैं। तो यहाँ हमें सेट करना है, और यहाँ जो दो स्क्रू लगी हुई है दोनों स्क्रू को हम एक एक करके हम सेट कर लेते हैं। इस तरह से हम सेट कर लेंगे। सेट हो चुका है। अब चलिए इसकी जो वायर है दोस्तों, दो कलर की वायर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो है दोस्तों हमें इस कनेक्शन में हमें माइनस लगाना है, ठीक है। इसमें माइनस प्लस नहीं रखता है दोस्तों, ये डायरेक्टली एसी सप्लाई के लिए है, और यहाँ इसमें हम प्लस लगा देंगे। ये दो वायर लगा हुआ है, लेकिन दो कलर की लगा हुआ है दोस्तों, इसी तरह हम लगा देंगे। जिस तरह हम बाहर निकालें उसी तरह से हम इसे हम लगा सेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो हमें आउटपुट है दोस्तों, इस आउटपुट को हमें यहाँ लगा देना है, और देख सकते हैं दोस्तों उसमें जो ढक्कन लगी हुई थी वो पूरी टाइट थी, और यहाँ भी हमें पूरी टाइट लगा देनी है, ताकि हमारी जो लिक्विड होते हैं दोस्तों वो बाहर लीकेज ना करे। तो इस तरह से हो चुका है। अब इनपुट पर भी हम इस ये जो पाइप देख रहे हैं दोस्तों, इस पाइप को हमें इस पर लगा देना है, ठीक है दोस्तों। हम बारीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं, इस पर लगा देना है। चलिए हम यहाँ भी इसे सेट कर लेते हैं, और ये सेट हो चुका है। अब हमें फिर से दोबारा पावर दे करके इसमें इस मशीन को हमें देखना है। तो चलिए हम इस पर हम पावर देते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं दोस्तों मशीन पर हमारी पावर आ चुकी है, और ये इंडिकेट कर रही है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से हमें
इस रिमोट से हमें पावर ऑन कर देना है, ठीक है, ये बस बटन को। चलिए देखते हैं। जो मोटर है दोस्तों, ये छोटा सा मोटर, इसकी वजह से हमारी ये फॉग मशीन नहीं चल रही थी। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो सीधे आप कुमार रिपेयरिंग हाउस पर आ जाइए दोस्तों। ए टू जेड रिपेयरिंग का वीडियो आप सबको एक ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।